था यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 4 जून के बाद अखिलेश लंदन और राहुल इटली चले जाएंगे। चुनाव के बाद अखिलेश यादव इटली जाएंगे, राहुल गांधी लंदन जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मैं दावे से कहता हूं 80% वोट हमारा है, बीजेपी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश और राहुल गांधी पर उन्होंने तीखा तंज कसा है और ये कहा है कि अखिलेश लंदन चले जाएंगे और राहुल गांधी इटली चले जाएंगे जैसे ही 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा। ये दोनों उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी की जीत को लेकर भी उन्होंने दावा कर दिया है कि बीजेपी पहले ही बहुमत हासिल कर चुकी है 4 चरणों के दौरान, अब प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, अक्सर इस तरह बेबाक बयानबाजी करते हैं, विपक्ष पर लगातार तीखा हमला बोलते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा दोनों ही देश छोड़कर चले जाएंगे। अखिलेश यादव लंदन जाएंगे, वहीं राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, ये कहना है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 80% वोट हमारा है, 20% पर यह चुनाव हो रहा है, 20% के लिए बंटवारा है, प्रचंड बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। 4 चरणों में ही बीजेपी को बहुमत की बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार हासिल करने के लिए, कमल खिलाने के लिए बीजेपी लगातार कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा, 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। वहीं लखनऊ में पारा आज हाई रहेगा क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस